Hello friends, subscribe the Purav Tech channel and press the bell icon for getting the technical news and update. Hello दोस्तों, मेरा नाम पूरव है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 9000 रुपए के अंदर इंडिया के अंदर हम लोग कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ले सकते हैं। अभी चल रहा है अगस्त 2017, तो उसके हिसाब से ये मैंने लिस्ट बनाई है। तो ये लिस्ट आगे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अराउंड 2017 में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड क्वार्टर चल रहा है 2017 का। तो मेरे ख्याल से इस साल के लिए ये बेस्ट लिस्ट होगी, 9000 रुपए के अंदर कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन हम इंडिया के अंदर ले सकते हैं उसके लिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पहले मोबाइल के बारे में। पहला मोबाइल मैं रेकमेंड करना चाहूँगा Xiaomi का Redmi 3S Prime। जी हाँ दोस्तों, Redmi का 3S Prime, ये थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा तीन चार महीने पहले ये रिलीज़ हुआ था, मगर प्राइस टू प्रोडक्ट के रेशो के हिसाब से और 9000 रुपये के बजट के अंदर अगर देखा जाए तो ये बेस्ट मोबाइल है आज के तारीख में। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। रोन 9000 के अंदर ये मिल रहा है। डिस्प्ले साइज़ इसकी दी है 5 इंच की, 720 रिजोल्यूशन, HD रिजोल्यूशन दिया गया है। स्नैपड्रैगन का 430 SoC प्रोसेसर इसके दिए अंदर दिया गया है। 3 GB का रैम दिया गया है, 32 GB का इंटरनल मेमोरी दी गई है। कैमरा इसके अंदर दिया गया है 13 MP का, और बैटरी जो इसके अंदर दी गई है वो है 4100 mAh की बैटरी। तो और एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके अंदर आ रही है वो लेटेस्ट आ रही है, वो है एंड्रॉयड की मार्शमेलो। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन देखते हुए 9000 के अंदर ये बहुत ही बढ़िया डील है मेरे ख्याल से। दूसरे मोबाइल के बारे में बात करते हैं। दूसरा मोबाइल भी अगेन Xiaomi की तरफ से है, Xiaomi Redmi 3S। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi का Redmi 3S ये भी बहुत ही बढ़िया मोबाइल है और प्रीटी मच सेम हार्डवेयर है जैसा कि हमने Xiaomi 3S के अंदर देखा हुआ है। तो इसके अंदर भी 5 इंच की स्क्रीन दी गई है, स्नैपड्रैगन 430 की दिया गया है, 2 GB का रैम दिया गया है और 4100 mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है। 13 MP का कैमरा दिया गया है, आगे फ्रंट में 5 MP का कैमरा इसके अंदर दिया गया है। एंड्रॉयड 6.0 इसके अंदर आता है, सेम है, इसकी प्राइस भी सेम रखी गई है, मगर मैं रेकमेंड करना चाहूँगा 3S Prime को। 3S Prime के अंदर एक चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है वो है एक्स्ट्रा 1 GB रैम, 3 GB रैम इसके अंदर आता है, और ये 3S जो है इसके अंदर 2 GB रैम आता है, मगर इसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम है। इसकी प्राइस है अराउंड 7000 रुपये, और जो Redmi 3S Prime है उसकी प्राइस हमें मिल रही है वो है 9000 रुपये। तो मेरे ख्याल से 2000 रुपये वर्थ है अगर हमें अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है उस प्राइस रेंज के अंदर। तो तीसरे फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा फ़ोन है Lenovo का Vibe K5। जी हाँ दोस्तों, Lenovo का Vibe K5, इसके अंदर हमें अगेन मिलती है 5 इंच की स्क्रीन, HD रिजोल्यूशन, Qualcomm का 415 दिया गया है, थोड़ा सा लो एंड वाला प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है, स्टोरेज इसके अंदर दिया गया, इंटरनल मेमोरी जो दी गई है वो है 16 GB, और रैम दी गई है 2 GB रैम, और 13 MP का कैमरा दिया गया है, 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी थोड़ी सी वीक है, बैटरी रखी गई है 2750 mAh की, और एंड्रॉयड भी जो वर्जन आ रहा है वो थोड़ा सा पुराना आ रहा है, वो एंड्रॉयड वर्जन आ रहा है इसके अंदर लॉलीपॉप। अब चौथे फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मेरा फेवरेट फ़ोन, वो है मोटो G4 प्ले। वो हमें अराउंड मिलता है 9500 या 9000 के बीच में, ये मेरा फेवरेट पिक रहेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके अंदर हमें मिलती है 5 इंच की स्क्रीन, Qualcomm का 410 स्नैपड्रैगन 410 प्रोसेसर, 2 GB का रैम मिलता है, 16 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, 8 MP का कैमरा मिलता है, 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, 2800 mAh की बैटरी इसके अंदर मिलती है,
स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो थोड़ा सा रेडमी 3S से थोड़ा सा कम स्पेसिफिकेशन इसके अंदर दिए गए हैं, मगर ब्रांड की वैल्यू के हिसाब से अगर देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू के अगर हिसाब से देखें, तो ये मोटो G4 Play जो है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर ये काफ़ी स्टेबल फ़ोन है। OS जो है वो कोई काफ़ी स्टॉक एंड्रॉयड OS का फील देती है आपको, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने में वो काफ़ी ईजी और स्मूथ है। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बढ़िया और स्टेबल फ़ोन है। मोटो के फ़ोन मैंने यूज़ किए हैं तो वो आराम बहुत सालों तक मोटो के फ़ोन चलते हैं। मैं अभी भी मोटो का फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ खुद पर्सनली, तो मेरे ख्याल से मोटो G4 Play 9,000 के अंदर काफ़ी बढ़िया पिक रहेगा। आगे आगे पांचवें फ़ोन के बारे में अगर बात करें तो पांचवा फ़ोन है मोटो का E3 Power। ये भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है 9,000 के अंदर। इसकी प्राइस अराउंड मिल रही है 7,500 के अंदर, ये अमेजोन पे बिक रहा है। इसके अंदर सेम स्पेसिफिकेशन है, 5 इंच की स्क्रीन दी गई है, 2 GB का रैम दिया गया है, 16 GB का इंटरनल मेमोरी है, 8 MP का कैमरा बैक में दिया गया है, फ्रंट में 5 MP का कैमरा दिया गया है। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि मैसिव बैटरी लाइफ इसके अंदर दी गई है, 3500 mAh की बैटरी दी गई है। एंड्रॉयड 6.0 आता है इसके अंदर, इसके अंदर नोगट का अपडेट अभी आ चुका है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं, मगर आप लेने के बाद आप अगर आप अपग्रेड करेंगे इसको तो नोगट अपडेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और मीडिया टेक का 6735 प्रोसेसर इसके अंदर मिलता है, ये हमें मिल जाता है अराउंड 8,000 रुपये के प्राइस रेंज में, मगर ये काफ़ी बढ़िया अगर बजट रेंज के हिसाब से बोला जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं दो फ़ोन को रेकमेंड करूंगा, वो है शाओमी का Redmi 3S Prime, जो कि काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन सब इस लिस्ट के अंदर बोला जाए तो काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन उसके अंदर आ रहा है। 3 GB का रैम, 32 GB की इंटरनल मेमोरी, वो भी सिर्फ 9,000 रुपये के अंदर, वो काफ़ी बढ़िया है। और दूसरा फ़ोन अगर आप जानना चाहते हैं वो है मोटो G4 Play। वो जो मोबाइल है वो अभी भी काफ़ी बढ़िया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रांड वैल्यू और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात से अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।